The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। भाजपा की गुजरात चुनाव में जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी को चुना है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कहा कि पहली बार रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। इसी के साथ मैनपुरी और खतौली को लेकर कहा कि इन दो जगह पर भाजपा को निराशा मिली है। ये निराशा इसलिए मिली है क्योंकि मैनपुरी में मुलायम सिंह का जो कद था वो सबको मालूम है, उसी का लाभ समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव को मिला है। और साथ ही ये भी कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में हमारी जो भी कमियां रह गई हैं उनको सुधारते हुए दोबारा जनता के बीच आएंगे। सुनिए भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। बाकी जनता ने एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं गुजरात की जनता का अभिनंदन करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण और सुशासन से जुड़े विषयों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम गुजरात में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी रामपुर में उपचुनाव जीती है और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना वहाँ विजयी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नीति है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस नीति पर कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगाई है और मैं रामपुर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, हमें आशा आशीर्वाद दिया है। मैनपुरी और खतौली दो क्षेत्रों के परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए। मैनपुरी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और मैं हम लोग सब जनादेश का सम्मान करते हैं। और मैनपुरी में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का जो कद था, जो व्यक्तित्व था उनका, उसका लाभ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी को मिला है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और हम सब लोग जनादेश का सम्मान करते हैं और जो भी परिणाम भले ही हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, हम समीक्षा करके, बातचीत करके अपने कार्यकर्ताओं से और जो जो कमी रह गई है उन कमियों को दुरुस्त करते हुए दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। मैं चुनाव आयोग का और सभी तीनों क्षेत्रों की महान जनता का, कार्यकर्ताओं का, सरकार के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी सक्रियता के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान प्रस्तुत किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रति भी अपना विश्वास व्यक्त करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरी लोकतंत्र में अच्छे परिणाम जब आते हैं तो सबको खुशी होती है, लेकिन हम राजनीतिक दल के नाते चुनाव में हैं, जनता के बीच में हैं और जनता का जो भी निर्णय है हम हमारे सिरमाथे है, सिरोधार्य है। जहां हम जीते हैं जनता ने हमें जवाब दी है, उस जनता की अपेक्षा को पूरा करेंगे। जहां हम नहीं जीत पाए हैं तो हम समीक्षा करके एक राजनीतिक दल के नाते जनता के सुख दर्द में, दुख दर्द में खड़े होंगे और मजबूती के साथ अपने आगे की तैयारी करेंगे। अब देखो, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के लोग मैनपुरी के बारे में भी यही कह रहे थे आप लोगों के माध्यम से। बड़े आक्षेप उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, पुलिस प्रशासन पर, सभी लोगों पर, खतौली में भी लगाए, रामपुर में भी लगाए। तो जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों में जो उन्होंने आक्षेप लगाए हैं उस आक्षेप के आधार पर हम लोग रामपुर हारे हैं, मैनपुरी हारे हैं, खतौली हारे हैं।
अगर उनके आरोप सही होते तो हम क्यों चुनाव हारते। तो ये लोकतंत्र में हमें जनता के बीच में रहकर जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करना है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी हमारे सामने चुनौती है, हमें जनता ने जो काम दिया उस जनता को पूरी ईमानदारी से करेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं उन जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जनता की बेहतरी के लिए काम हम करेंगे। हम पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े हैं, मैनपुरी भी पूरी तैयारी के साथ लड़े हैं, लेकिन जनता का निर्णय है, लेकिन हम लोग जो जो कमी रह गई है, क्योंकि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, खतौली हमारी सिटिंग सीट थी, मैनपुरी भी हम लोग बहुत अपेक्षा के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता का निर्णय अंतिम है, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत से आगे आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप उसका, अगर मीडिया से जुड़े हैं, आप पूरे उसका आकलन करो और सभी बूथों का असेसमेंट करो, और हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, उसके बाद बात करेंगे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। नहीं, निश्चित रूप हमने कहा, हम राजनीतिक दल के नाते और बैठ के अपने कार्यकर्ताओं से जनता से सब बात करेंगे, स्थानीय स्तर पर जो जो कमी हुई है उन कमी की समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।